वेलकम टू करियर हैक्स। मैं अतुल राघवत आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। लेटेस्ट वीडियो एंड अपलोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, स्टार्ट करते हैं। अपने बेसिक तो अपने कॉन्सेप्ट तो पता ही है, सिर्फ एक बॉक्स का कर लेते हैं। ठीक है, बॉक्स में हमने कन्वर्ट किया एडिटेबल पॉली, हम असाइन करेंगे अनरैप। ठीक है, अनरैप इसी से कोऑर्डिनेट सेट होगा। ब्लू लाइंस का मतलब ये है कि ये सीम्स बनी हुई है, है ना। हाँ, ग्रीन का मतलब ये सीम्स बनी हुई है। इस वजह से बेसिकली हमारे जब हम फेसेस देखेंगे एडिटर में, ओपन यूवी एडिटर, ठीक है, ये अलग अलग टूटे हुए हमें दिखाई दे गए। ठीक है, क्योंकि ये कटे हुए हैं, हमें क्या करना होता है, बेसिकली इनको प्रॉपरली सेट करना होता है। ठीक है, अब जैसे मुझे लगता है इस वाले फेस और इस वाले फेस, ठीक है, इन तीनों को आपस में जोड़ना है ताकि जो भी हम टेक्सचर लगाए इस सरफेस से स्टार्ट करें फेस से और यहाँ तक आए और वो बगैर सीन के बगैर कट के इजीली आ जाए। ठीक है, तो इस फेस को लिया हमने उठा के इसे ऊपर रख लेते हैं, इस फेस को लिया हम उठा के रख लेते हैं और इस फेस को लिया हम उठा के रख लेते हैं। ठीक है, इन तीन फेस को हमें जोड़ना है, बाकी फेसेस को हम एक बार वैसे ही रहने देंगे जो भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस फेस को हम जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम एज भी ले सकते हैं सिलेक्शन, हमारे पास ये रहा एज, इस एज को सेलेक्ट किया तो दूसरे को सेलेक्ट कर रहा है, इस एज को सेलेक्ट किया तो ये इसे सेलेक्ट कर रहा है, ब्लू हो रहा है। तो मुझे क्या है, इन दोनों एजेस को आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो इन्हें पकड़ा और फ्लिप मुझे करना है इसे वर्टिकल, तो यहाँ से हमने कर लिया फ्लिप वर्टिकल। अब देखा ये इसके पास आ गई। एक और चीज चेक कर सकते हैं हमारे वर्टिसेस, ये वर्टिसेस अभी इसको ब्लू कर रहा है और ये वर्टेक्स इसको ब्लू कर रहा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल भी फ्लिप होना चाहिए था, तो अपन ने इसे हॉरिजॉन्टल भी फ्लिप कर दिया। अब चेक किया ये ब्लू हो गया सेम, ये ब्लू हो गया सेम, कोई दिक्कत नहीं। एज भी देखा ये आपस में ब्लू है, इसे पकड़ा, हमारे पास स्टिच ऑप्शन होता है, बेसिकली ये रहा स्टिच, क्लिक, ये दोनों आपस में स्टिच, हाँ एडिटर के अंदर ही कर रहे अपन। ठीक है, मैक्सिमम टूल हम एडिटर में से ही यूज कर लेते हैं, इसमें मिल जाते हैं यूवी से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टिच किया हो गया। अब सेम इसको देखा ये दोनों आ रही है, वर्टिसेस को भी चेक कर लेते हैं, ये भी एकदम सही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वही 1 2 3 शॉर्ट कीज है, 1 वर्टिसेस, सेकंड एज, थर्ड पॉलीगॉन फेस। ठीक है, पकड़ना तो दोनों पड़ेगा, लेकिन नहीं, इस एज को पकड़ लो, एक इस एक को पकड़ लिया स्टिच कर दो, वो ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा। अच्छा, दोनों को नहीं करना पड़ता, दोनों को नहीं करना पड़ता। ठीक है, मैं अंडू करता हूँ। अब इसमें एक और या स्टिच के ऑप्शंस होते हैं, स्टिच टू सोर्स, ठीक है, और ये होता है एक और स्टिच टू एवरेज। तो बेसिकली क्या है, जैसे अपन ये क्लिक करते हैं तो ये एवरेज दोनों को एक्सपेंड कर देता है, अपनी पोजिशन को खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, ये सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले को ऊपर लाएगा सोर्स को। ठीक है, अपने सोर्स को नहीं मूव करेगा, टारगेट को मूव कर देगा, ये हमेशा इसको मूव कर देगा। ये रेड जो है वो सिलेक्टेड है, ये मान लो, अब ये क्या करेगा, बराबर स्ट्रेच कर देगा, ये रेड को कम स्ट्रेच करेगा आपके टारगेट को करेगा, ये आपके रेड को बिल्कुल मूव नहीं करेगा, आपके टारगेट को ऊपर ले आएगा और ये बराबर उठा के यही पर, बेस्ट तो यही ऑप्शन है। ठीक है, तो अब ये तीन फेस है जो परफेक्टली मैच हो गए और यहाँ अपन देखें तो ये ग्रीन लाइन भी अपनी रिमूव हो गई। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सॉरी ये हमने फेस पकड़े, बेसिकली जो फेस सिलेक्टेड है अगर हम चाहते हैं उसे मूव करना, और तो बेसिकली अभी जैसे हम मूव टू ले रखा है इसे मूव करते हैं, जब तक इसके ऊपर से इसे मूव नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन छूट जाता है ना, इसको पकड़ के मूव करना है। तो मैं चाहता हूँ इसका सिलेक्शन लॉक रह जाए, तो ऑल्ट कंट्रोल, तो अब मैं व्यूपोर्ट पे कहीं भी क्लिक करूंगा, एक तरीके से इसका सिलेक्शन लॉक है और ये मूव होता रहेगा। ठीक है, हाँ प्रेस कर रखा है, तो ये सिलेक्शन लॉक है, ये इजीली मूव हो रहा है। ठीक है, तो इसे मैंने यहाँ रख लिया, इसे लिया, इसे भी यहाँ रख लिया। ठीक है, तो मैंने दबा रखा है, तो इसलिए मैं इसे कहीं से भी ऑल कंट्रोल दबा रखा है, तो व्यूपोर्ट में कहीं पे भी क्लिक करके इसे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, इन तीनों को लिया, स्केल लिया मैंने स्केल, ठीक है, वही ऑल कंट्रोल है तो इजीली स्केल हो जाएगा। ठीक है, मूव, और इसे उठा के मैंने यहाँ साइड में रख दिया। ठीक है, इस पर जो भी कलर आएगा व्हाइट आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों मेरे काम के हैं,
ठीक है ब्लैक आ गया था हाँ तो हम ब्लैक डाल देंगे जो डालेंगे वो आएगा जो कलर हाँ बेसिकली हाँ बैकग्राउंड में जो कलर हम यूज करेंगे फोटोशॉप में वो आएगा ठीक है जैसे ये मैंने यहाँ सेट कर दी ठीक है अब क्या है इनको हम बड़ा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अननेसेसरी स्पेस पड़ा ही है काम तो आ नहीं रहा इसके अंदर ही होना चाहिए हाँ जो भी होना चाहिए हमारे इसके अंदर होना चाहिए ओवरलैप नहीं हो ओवरलैप नहीं हो अब इसके ऊपर तो ओवरलैप है ये वो ये ओवरलैप है क्योंकि इनको अपन ने ओवरलैप इसलिए किया क्योंकि इन पे हम टेक्सचर सिर्फ और सिर्फ कोई कलर ही डालना चाहेंगे अच्छा इस पे हम कोई इमेज टेक्सचर डाल रहे हैं जो स्ट्रेच ना हो इसलिए अपन जो हाई डिटेल हम दिखाना चाहते हैं सिर्फ इन्हीं फेसेस पे दिखाना चाहते हैं इन फेसेस पे हम फिलहाल कोई हाई डिटेल नहीं दिखाना चाहते इसलिए हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है अब दूसरी चीज ये है इस पे टेक्सचर आएगा वो सही पिक्सल रेशियो में आएगा या नहीं हमें वो चेक करना है तो उसके लिए हम मटेरियल एडिटर में जाते हैं डिफ्यूज पे हम लेते हैं चेकर ठीक है हमने लिया चेकर ओके और इस ऑब्जेक्ट पे हमने कर दिया असाइन टाइलिंग हम थोड़ी बढ़ा लेंगे 5x5 ठीक है बेसिकली क्या है ये अभी रेक्टेंगुलर आ रहे हैं स्क्वायर नहीं आ रहे ये भी लगभग लगभग स्क्वायर है लेकिन ठीक है रेक्टेंगुलर तो जो रेक्टेंगुलर आ रहा है इसका मतलब ये है आपके इमेज टेक्सचर को वो स्ट्रेच कर देगा क्योंकि जो भी इमेज होती है जेपीजी होती है वो स्क्वायर पिक्सल्स में होती है तो आपको चाहिए कि आप यहाँ पर भी यूवी को कैसे करें स्क्वायर पिक्सल्स में ही रखें ओपन यूवी एडिटर हमारी कौन सी यूवीज थी ये इनको आपको स्क्वायर करना है ठीक है आपने इसे एक बार मूव किया साइड में ले लो स्केल स्केल आपने लिया सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रेच में लेफ्ट टू राइट क्योंकि आपको दिख रहा है पिक्सल यहाँ स्ट्रेच हो रहा है आपने स्क्वायर बनाया स्क्वायर हो गया ठीक है ये हो गया स्क्वायर तो अब यहाँ पर आपके टेक्सचर क्या है स्ट्रेच नहीं होगे सही आएगे ठीक है हाँ पिक्सल रेशियो आपका सही आएगा ठीक है अब यहाँ आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है ठीक है वो इसलिए होगा क्योंकि सेम साइज का बॉक्स नहीं होगा अगर स्क्वायर बॉक्स होता तो सब सेम हो जाता पर अब इस फेस में दिक्कत है मतलब इसमें तो इसको आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ठीक है अब क्या दिक्कत है इसे जैसे ही हल्का सा एडजस्ट किया यहाँ के टेक्सचर भी थोड़े से मिसमैच हो जाएगी क्योंकि ये आपकी यूवी यहाँ टेढ़ी हो गई ठीक है तो इसलिए हल्के से टेक्सचर को आपको मैनेज करना पड़ेगा नहीं तो फिर रिलैक्सिंग और ऑटो पील मोड होता है इसमें वो अपन जब प्रॉप्स को करेंगे तो उसमें यूज करेंगे अपन ने पूरी को सेलेक्ट करके हाँ नहीं कर सकते सर, इसे ऐसे इसको वर्टिकली नहीं वर्टिकली भी कर सकते हैं लेकिन वर्टिकली पिक्सल्स में कहीं दिक्कत ही नहीं आ रहा वर्टिकली करने से तो वापस रेक्टेंगुलर हो गया इस वर्टिकली को करने का फायदा नहीं ना क्योंकि वो तो वापस पिक्सल बिगड़ जाएगा हमारा पिक्सल जो बिगड़ा हुआ था वो हॉरिजॉन्टली तो बिगड़ा हुआ था यही तो था तो हमें हॉरिजॉन्टली पिक्सल सही करना था इसलिए हॉरिजॉन्टली अपन ने मूव किया अगर ये पिक्सल में वर्टिकली बिगड़ा होता इस तरीके से ये ठीक है लंबा हुआ होता तो अपन वर्टिकली सेट करते हैं ठीक है कैसे भी हो वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली इसको आपको स्क्वायर में लाना है अगर ये ऐसे है तो ऑब्वियसली या तो आप इसको बड़ा कर लो ठीक है और अगर ऐसे है तो चाहो तो वर्टिकली मूव करके और छोटा कर लो ठीक है बात एक ही आनी है स्क्वायर होगा पिक्सल और यह आपका बढ़ेगा अब ये यूवी आपकी आपके इस चेकअप बॉक्स से बड़ी होगी तो अब आपको करना क्या है इसको सेंटर से स्केल करना है तो सेम रेशियो में स्केल होगा ठीक है देन मूव इसे वापस से आपको प्लेस करना है अपनी सही जगह पर ठीक है क्लोज ठीक है इसमें ये एक्स वाई भी काम करते हैं सर ये वाले मूव करने के लिए यूवी को यूवी नहीं उसमें काम नहीं करेंगे ठीक है हमने पकड़ा अब हमारे पास ये एडिटर में या एक्स अनरैप किया हुआ है इसे हमें ले जाना फोटोशॉप में तो सिंपली हमें करना है राइट क्लिक रेंडर यूवीडब्ल्यू टेम्पलेट स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है हाँ मतलब साइड में भी कर सकते हो लेकिन इसके अंदर करना है रेंडर यूवी टेम्पलेट जिस साइज का आपको टेक्सचर बनाना है फिलहाल में 1K सफिशिएंट है इसलिए 1000 ले लेता हूँ ये रेंडर हो गई इसे हम सेव कर देंगे साइड ड्राइव भाई भी है ऑब्वियसली क्लासेस क्लासेस
अनरैपिंग, ठीक है। ये हो गया बॉक्स यूवी फर्स्ट क्लास पीएनजी, ठीक है। हमें पीएनजी फॉर्मेट सेव करना है, ओके क्लोज सेव, ठीक है। यहां हमने इसे अनरैप कर रखा है, अब अगर हम इसे राइट क्लिक करके कॉलेप्स कर लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने जो अनरैप किया था वो इसमें कॉलेप्स हो गया, इसमें सेव हो गया, ठीक है। अगर हम वापस से यूवीडब्ल्यू अनरैप डालेंगे तो हमें वैसा ही मिलेगा, ग्रीन यहाँ नहीं मिलेगी, है ना। ओके तो इसे हम कॉलेप्स कर देते हैं या पॉली में कन्वर्ट कर देते हैं, एक ही बात है। अब हम जाते हैं हमारे फोटोशॉप में, ओके फोटोशॉप अपना आ गया, हम अपनी फाइल ओपन करेंगे। टूल्स इतने सारे होते हैं ना, हाँ बस इस वजह से अनरैपिंग हमने ले ली, ये आ गई। हम एक नई लेयर बना लेंगे, हमारे पास क्रिएट न्यू लेयर, डिफॉल्ट हम डाल देते हैं ब्लैक कलर, ऑल बैक स्पेस इसे हम नीचे ले लेते हैं, ठीक है। ब्लैक बैकग्राउंड में ये हो गई हमारी यू वी, ठीक है, और ये हो गया हमारा बी जी, ठीक है। अब हमें कोई टेक्सचर डालना है जो इन तीन फेसेस पे आए, ठीक है। हम ले लेते हैं डबल क्लिक, ठीक है। डेस्कटॉप पे कोई टेक्सचर होगा, ये क्या है, डेस्कटॉप पे कोई टेक्सचर क्लास का ले लेते हैं हम, ठीक है। ओपन हमारा क्लास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको लिया, कंट्रोल टी 90 डिग्री, ओके ठीक है। वन टूल डिलीट कंट्रोल डी, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्लास आ गया, ठीक है। क्लास में वन टूल से लिया, मैंने कलर ले लिया, और वन टूल एस और ए, ठीक है ठीक है। और इमेज हम ले लेते हैं कोई और, हमने ले ली कंटिन्यू, हमने एक इमेज ले ली मार्क्यू, हमने लिया ये बॉक्स, ठीक है। मूव टूल उठाकर यहाँ रख दिया, कंट्रोल टी 90 डिग्री, ओके हमने यहाँ रखा, ठीक है इसे रखा हमारे टेक्स्ट के नीचे। मूव मूव, ठीक है, मार्क्यू बाहर का मैंने चाहिए, डिलीट कंट्रोल डी। अच्छा ये अपन को यही सोचना पड़ेगा कौन सा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में आएगा कौन सा, हाँ बिल्कुल। अब हाँ बिल्कुल, अब जैसे मुझे लगता है इसकी सीम दिखाई दे रही है तो मुझे यही पर इसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना पड़ेगा, तो ये यहाँ की सीम मेरे को यही हटानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मार्केट टूल यहाँ हमें दिख रही है सीम, इस सीम को यही पे हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब हो गया, अब एक विंडो बीच में ब्लैक लाइन रखी है अपन ने और यहाँ पर एक ये रखा है, तो बीच में हम ब्लैक लाइन ना रख के न्यू बना देते हैं एक और, मार्केट टूल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ब्रश ले लेते हैं हम इसी कलर का, कंट्रोल फिल, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही आर्टिफिशियल हो गया, कलर ले लेते अपन लगभग ये ऑफ वाइट, ठीक है, फिल कंट्रोल डी। तो थ्रू आउट ऊपर से नीचे तक ये इसी तरीके से जाएगा, ठीक है। और थ्रू आउट हमारी ये हो गई, ये हो गई कंट्रोल एंड शिफ्ट, कंट्रोल एंड शिफ्ट से ले गए तो मल्टीपल सिलेक्शन आ जाएगा, ठीक है। शिफ्ट के साथ आपने कॉपी की यहाँ, शिफ्ट के साथ में कॉपी की यहाँ, ओके। और ये क्लास बीच में आपका आ गया, वन टूल डिलीट कंट्रोल डी, ठीक है। क्लास डबल क्लिक, हमने ले लिया इसकी ड्रॉप शेडो, ओके ठीक है। सेव एज जेपैक फर्स्ट क्लास जेपीजी, सेव, ठीक है। हमारे मैक्स में
मैक्स हमने असाइन किया यहाँ पर चेकर की जगह हमारा टेक्सचर बिटमैप हमारे पास सॉरी क्लासेस हमारी अनरैपिंग टेक्सचर शो ठीक है तो हमारी ये नीचे बॉटम पे लाइन आ गई टेक्स्ट आ गया ठीक है हैंडल ये वैसे ही जैसा अपन ने देखा था वैसे ही आ गया ठीक है आराम से कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें ओके हाँ जहां अपन ने नहीं लिया वो ब्लैक आ गया अब मैं चाहता हूँ इस पे कुछ आ जाए जैसे ये व्हाइट आ जाए चाहे तो या फिर इस बॉक्स को अपन एक काम करते हैं रोटेट ए एंगल स्नैप 90 डिग्री पर हम फ्लिप कर देते हैं 90 डिग्री ठीक है फ्रंट व्यू पर्सपेक्टिव ठीक है ये हो गया क्लास और ये ठीक है ये हमारा बन गया जो हमने टेक्सचर लगाया था अब इसमें एक और चीज हो सकती है जैसे ये ग्रे पट्टा है आया ये मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी आ जाए ठीक है तो उसके लिए बस ये है कि मैंने ये ग्रीन लाइन ली सॉरी अंडू ओके ये नीचे है इसे अपन ऊपर रखेंगे ऑब्वियसली सबसे हाँ शिफ्ट के साथ मैंने इसे ऊपर कर दिया ठीक है अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे तो ब्लैकनेस अपना आप आ गई थी क्योंकि नीचे टेक्सचर में था अब यहाँ ब्लैकनेस नहीं आ रही तो सिंपली अपन डबल क्लिक करेंगे आउटर ग्लो निकाल देंगे इसमें से कहाँ है आउटर ग्लो ये आउटर ग्लो व्हाइट ड्रॉप शेडो एक डायरेक्शन में जाएगी है ना तो आउटर ग्लो लिया ब्लैक में हमने ले लिया नॉर्मल ओके स्प्रेड करना है स्प्रेड ओपेसिटी थोड़ी डाउन थोड़ी सी और स्प्रेड कर देते हैं हल्का सा ठीक है ओके सेव एज ठीक है ये जो यूवी लाइंस है इन यूवीज को अपन हाइड करेंगे ठीक है नहीं तो फिर ये यूवी की लाइनें हमें कहीं ना कहीं दिखाई देंगे तो इसे ऑफ सेव एज हमारा जो टेक्सचर था हाँ ओके सेव हो गया हम आ गए अपने मैक्स में और यहाँ पर ये असाइन हो गया ठीक है अब इसमें हमने डिफ्यूज तो लगा दिया हम चाहते हैं रिफ्लेक्शन इन विंडोज पे आ जाए ठीक है तो ये तो हो गया मेरा डिफ्यूज मैप कंट्रोल एस ये अनरैपिंग फर्स्ट क्लास है हमारी ठीक है फर्स्ट क्लास सेव पीएसजी ओके ये तो हो गया सब मिलाकर कंट्रोल जी मेरा हो गया डिफ्यूज मैप ठीक है अब हमें बनाना है इसका रिफ्लेक्शन ठीक है तो रिफ्लेक्शन के लिए हमने एक काम किया हमने सेलेक्ट की हमारी लेयर बेसिकली हमने ये यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्शन बेसिकली इन विंडोज में आना चाहिए है ना तो हमने ये ली हमारी विंडोज सारी पकड़ी ठीक है ओके कॉपी कंट्रोल ई मर्ज कर दिया मैंने ठीक है और इसको निकाल कर मैंने रख दिया बाहर ठीक है डिफ्यूज से ताकि डिफ्यूज से कोई लेना देना ना हो तो डिफ्यूज को एक बार ऑफ कर दिया और मैंने इसका एक ग्रुप बना लिया और ये हो गया मेरा स्पेकुलर या फिर जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ठीक है ये हो गया मेरा रिफ्लेक्शन मैप डिफ्यूज मैंने ऑफ कर रखा है ये मेरा रिफ्लेक्शन है अब ठीक है रिफ्लेक्शन में सारी चीजें आ गई मर्ज होकर दो तरीके हैं या तो हम मर्ज करके ले लें या फिर हम अलग अलग लेयर्स ले लें मर्ज में अब मुझे याद आया कि ये क्लास जो लिखा हुआ ये तो हटाना था मेरे को पर मैंने इसको भी इसमें मर्ज कर दिया ठीक है तो ये काम की नहीं है डिलीट डिफ्यूज की सारी लेयर्स को वापस से कॉपी करता हूं और इस बार रिफ्लेक्शन में अलग अलग लेयर ही डालता हूं ठीक है ओके
ताकि इसमें मैं चेंजेस कर सकूं। अब रिफ्लेक्शन के लिए मेरे को क्लास नहीं चाहिए, क्लास नाम की लेयर नहीं चाहिए, तो ये लेयर हो गई हाइड। रिफ्लेक्शन में मेरे को इसकी भी नीड नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा चीजों पर ही मेरे को रिफ्लेक्शन बनाना था, ठीक है। तो ओके, अब मेरे को बनाना रिफ्लेक्शन मैप। दो तरीके, अगर हमारे पास टेक्सचर इमेज काफी अच्छी है, अच्छे रिजोल्यूशन में है, तो वेन टूल से आप इसे पिक कर लो, आपकी विंडो पिक हो जाएगी। नहीं तो क्या करो, सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। ये ले लिया आपने, ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ये रिफ्लेक्ट होनी है और ये रिफ्लेक्ट होनी है, ठीक है। न्यू लेयर, डिफॉल्ट व्हाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन के एक सिंपल सा फंडा है, मतलब रिफ्लेक्शन बम्प या जो भी है, हाँ, अल्फा चैनल पे काम करते हैं, और इनका एक सिंपल सा फंडा है, व्हाइट का मतलब होता है हाँ और ब्लैक का मतलब होता है ना, ठीक है। तो ये एरिया अब रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, इसे मैंने इसके ऊपर रख लिया। क्या किया, फेदर शिफ्ट F6 है, जो फेदर लिया था बेसिकली सिलेक्शन ले लिया, और उसके बाद अभी कलर फिल करते तो शार्प आता है, तो उसके लिए मैंने शिफ्ट F6 यूज किया और पिक्सल दे दिए कि इतने पिक्सल्स का फेदर हो तो वो स्मूथ हो जाएगा। सिलेक्शन बनाने में अपने को दिक्कत आती है, कई बार लगता है ऐसा कि यार गलत हो गया सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन आए, यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी आए, ये आए, ये मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, ओके। अब ये आर्किटेक्चरिंग का वैसे तो कोई खास सीता है नहीं, तो इजीली हम व्हाइट में काम कर सकते हैं। ये ले लिया व्हाइट और ये व्हाइट, ठीक है। अब नीचे का हमें नहीं चाहिए था, ऑब्वियसली हमें तो सिर्फ ये रिफ्लेक्शन वाली लेयर्स चाहिए थी, ठीक है। तो ये चार चार वाली सारी चाहिए, बाकी हमें लेयर्स नहीं चाहिए, ठीक है। इसे भी हम ऑफ कर देते हैं, इसको भी हम ऑफ करेंगे, और इसके नीचे की भी सारी लेयर्स हम कर देंगे ऑफ। अब बाकी सब ब्लैक है और सिर्फ ये एरिया व्हाइट है। सेव एज जेपैक, वो तो हो गया था कलर मैप, और ये हो गया रिफ्लेक्शन। सेव, ओके, कंट्रोल एस, रिफ्लेक्शन ऑफ, डिफ्यूज ऑन, हाँ। मैप पे गए हम, मैक्स, गो टू पैरेंट, स्पेकुलर, हमने ले लिया स्पेकुलर पर, या फिर से वीरे ले लो, का दिक्कत है ना। F10, असाइन रेंडर, वीरे 3.6, कट स्टैंडर्ड की जगह वीरे मटेरियल, पेस्ट, हमें चाहिए रिफ्लेक्शन, बिट मैप, हमारे पास रिफ्लेक्शन मैप है, शो एकदम ठीक आया है, और डिफ्यूज शो एकदम ठीक आया है, रेंडर ठीक है। अभी हम GI वगैरह हमने कुछ भी ऑन नहीं किया है, तो हमें ऑन करना पड़ेगा GI, एक्सपर्ट, स्विच टू ऑल, एनवायरमेंट हमने ऑन किया व्हाइट में, GI ऑन, ब्रूट फोर्स की जगह रेडियंस एंड लाइट कैश, रेडियंस वेरी लो, लाइट कैश वेरी लो, रेंडर ठीक है। तो अभी यहां हमें रिफ्लेक्शन दिखने लग गया, कलर में हमारे पास आने लग गया, क्योंकि एनवायरमेंट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होने लग गया। बकेट ले लेते हैं, हाँ बिल्कुल। अब हम आ गए मटेरियल में, हमें रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो मैप में हम कंप्लीटली रिफ्लेक्शन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब रेंडर किया, F10 गामा, फ्रेमवर्क ऑफ, मगर रिफ्लेक्शन हमारे पास ये है, मगर रिफ्लेक्शन मैप के ये है, ओके, क्लोन विथ रिफ्लेक्शन, इधर देखें स्लॉट में, मगर रिफ्लेक्शन विथ रिफ्लेक्शन, हमें स्लॉट में इजीली दिखाई दे रहा है कि रिफ्लेक्शन आ रहा है, ओके। रेंडर, एनवायरमेंट,
इस पे ज्यादा नहीं दिख रहा एनवायरनमेंट काला है इसलिए हां इस वजह से वो नहीं दिख रहा या तो अपन एनवायरनमेंट को यहां पर हल्का सा हां हल्का सा पिंकिश डाल देता है तो अब इसके ऊपर पिंक आएगा इस ब्लू को हल्का सा पिंक आने लगेगा ठीक है बाकी स्लॉट में हमें दिख रहा है और बाकी सामने अपन अच्छा फ्रिजनल और है इस वजह से वो दिक्कत आ रही है अब आ गया ठीक है जैसे फ्रिजनल अपन ने हटाया रिफ्लेक्शन आ गया फुल मैप रिफ्लेक्शन ऑफ और अब ये बग रिफ्लेक्शन का ठीक है तो एनवायरनमेंट टेक्स्ट रखना चाहिए इस पर क्या टेक्स्ट रखना चाहिए था टेक्स्ट रिफ्लेक्शन पर हाँ तो दिखाई देता टेक्स्ट ऊपर आ रहा है रिफ्लेक्शन में दब जाता उसके मतलब ये ऐसा है ना तो ये चीज कर सकते हैं हम जैसे रिफ्लेक्शन है हमारे पास है ना रिफ्लेक्शन में डिफ्यूज ऑफ किया हमने रिफ्लेक्शन ऑन और इसमें हमारा जो टेक्स्ट था बेसिकली कौन सी लेयर थी ये रही इसको ऊपर ले आते हैं सबसे ठीक है तो इस एरिया पर अब रिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो इसे अपन कर देंगे ब्लैक ठीक है सेव एज जेपैक सेव रिफ्लेक्शन ओके कंट्रोल एस माय फोटोशॉप फाइल ओके 8 रिफ्लेक्शन हम लेते हैं करीब इस कलर का ऑन रेंडर तो हमारा टेक्स्ट रह गया बाकी सब जगह एनवायरमेंट कलर फिल हो गया ठीक है मतलब रिफ्लेक्शन फुल आ रहा है इसे ऑफ किया तो अब रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा ठीक है तो ये ब्लैक एंड व्हाइट का और अनरैप का एक बेसिक कंसेप्ट है बेसिक क्लास है तो इस तरीके से अपन अनरैप करके अपने टेक्सचरिंग को कर सकते हैं ठीक है मेरे हिसाब से सफिशियंट है आज के लिए अगर इतना एक बार बनना चालू हो जाएगा तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट्स वगैरह पर इन सब पे हम करते रहेंगे 2 से 3 क्लास होगी 3 क्लासों में क्लियर हो जाएगा पूरा ठीक कंसेप्ट तो एक बार क्लियर हो ही गया अब तो ऑब्जेक्ट्स को करना उनको अनरैप करना उनकी सीम्स बनाना और अनरैपिंग के ये जो टूल्स हैं उनको करना वो चीजें हम करेंगे हाँ बिल्कुल किसी भी शेप को करेंगे अपन अब इनके ये सारे टूल्स है वो यूज करने अपने को अनरैप क्यों करते हैं सबसे पहला सवाल ये होता है कि यार अनरैप करने का फायदा क्या है तो ये अपन ने देख लिया अनरैप करने का फायदा क्या है उसे कंसेप्ट क्लियर हो गया अब इसके टूल्स हुए अनरैप के और टूल्स हुए उनको यूज करना है अपने को और आउटपुट तो यही आना है ठीक है अब छोटी सी क्वेश्चन मेरा